केरल की बाढ़ में जहां शासन प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाएं लोगों की मदद कर रही हैं, तो कई ऐसे भी लोग हैं जो बिना किसी फायदे नुकसान के दूर दराज के क्षेत्रों से आकर लोगों की मदद कर रहे हैं। कासरगोड जिले से ऐसे ही कुछ लोग केरल के वायनाड जाकर लोगों की सहायता कर रहे हैं। केरल की बाढ़ में फंसे लोगों को मदद करने के लिए यूं तो बहुत से राजनीतिक संगठन और एनजीओ समेत कई संस्थाएं सामने आ रही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ना किसी राजनीतिक दल से जुड़े हैं ना किसी संस्था से जुड़े हैं, वो स्वैच्छिक तौर पर लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो केरल के कासरगोड जिले के पौवल गाँव के रहने वाले हैं और ये पूरे लोग इस गाँव के लोगों ने डिसाइड किया कि केरल के बाढ़ में फंसे लोगों को मदद करने के लिए सामने आना चाहिए। तो इस गाँव के सब लोगों ने पैसे इकट्ठे किए और पैसे इकट्ठे करके इस तरह से वो वायनाड पहुंचे हैं। मेरे साथ हसन हैं। हसन, अगर आप हमें बता पाएं, आप लोग किसी फायदे के लिए नहीं आए हैं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हैं, तो कहां से आपको ये लगा कि मदद करने आना चाहिए? नहीं, हम लोगों के इधर का जो हालत देख गए ना, बहुत मजबूरी लगा, ये लोगों को मदद करना है ज़रूरी है। पूरा जो सोशल मीडिया में आया ना फ्लड का जो बारे में, तब हम लोग जो गांव का 4-5 पीपल पहले इसके लिए सामने आया, फिर उन लोगों को पूरा हम लोग का गांव पूरा सपोर्ट किया उन लोगों को। फिर ये बहुत एक दिन दो दिन का अंदर ये बहुत बड़ा जमा हो गया पूरा आइटम सामान और पैसा। फिर हम लोग जो ज़रूरत सामान है, जो आदमी लोगों को ज़रूरत है, जो किधर फ्लड एरिया है, हम लोग उसके लिए मदद के लिए पूरा एक गाड़ी भर के सामान है और तीन गाड़ी उधर सप्लाई के लिए भी लगा हुआ है। तो आप लोग कितने पैसे इकट्ठा किए थे गांव में? तकरीबन पूरा 5 लाख तक तो रुपया इसके लिए इकट्ठा किया है पूरे गांव से सब लोगों ने। सब लोग एक दो दिन का अंदर पूरा हम लोग ईद, कल ईद है ना, अभी कल ईद के लिए हम लोग मुल्क पहुँचाना है। इससे पहले हम लोग अभी कल सुबह आए, हम लोग इधर पहुँचाए, एक जगह में सप्लाई करके इधर वापस आए, फिर दूसरा जगह पे आए। अच्छा, ये क्या क्या सामान लेके आए आप? हम लोग पूरा पानी, ब्रेड और चावल जो, और नैपकिन्स और क्या, एक घर के लिए क्या क्या मानता है, तकरीबन 30 आइटम्स एक बॉक्स में भरा हुआ है। अच्छा, तो यानी कि आप लोग जो भी घर के ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब लोग आप खरीद के लाए हैं और यहाँ पे बांट रहे हैं? हाँ, इधर अभी सप्लाई कर रहा है। अभी तक कितने लोग को आप लोगों ने हेल्प किया है? अभी 30 लोग हम लोग इधर आया हुआ है, इस गाँव में 30 आदमी है इधर। अभी तकरीबन 80 बॉक्स बाकी रहेगा, अभी जाएगा ये लगा के आज यहाँ बांट के, फिर आप सुबह अभी निकल जाए, अभी निकल जाएगा, हमको कल ईद में पहुँचना है मुल्क में। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग स्वेच्छा से सामने आए हैं लोगों की मदद के लिए और इस तरीके से जो भी घर की ज़रूरी सामान है वो सारी चीज़ों को गांव के लोगों ने 5 लाख इकट्ठा करके यहाँ पे वो ये वायनाड लेके आए हैं। और चूंकि बड़ी गाड़ियाँ बाढ़ प्रभावित इलाके में नहीं जा सकती हैं, इसलिए बड़ी ट्रक से इस छोटी पिकअप वैन में ये सामान लाद के ये लोग जो पास के गाँव हैं, जो प्रभावित हुए हैं, उन गाँव में जाएंगे और उन गाँव वालों की मदद करेंगे। तो ये स्थिति है केरल में, जहाँ न सिर्फ सरकार या राजनीतिक दल या कोई संस्थाएं, बल्कि आम आदमी जो पूरी तरीके से सिर्फ सेवा भाव से आया हुआ है, वो पूरी तरीके से लोगों को मदद के लिए इस तरह से मेहनत कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है और अपना समय यहाँ के लोगों को दे रहा है, जो कि जाहिर तौर पर समाज के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है। कैमरा पर्सन प्रसन्ना के साथ रणवीर, ABP न्यूज़, वायनाड, केरल। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।